पिछले एपिसोड में हमने जाना कि आखिर कैसे हम और हमारी दुनिया और यहाँ तक कि हमारा पूरा ब्रह्मांड तारे के कोर से निकले धूल से बना हुआ है। यदि आपने वो पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इस वीडियो को जरूर देखना, लिंक ऊपर आई बटन पर मौजूद है। सितारे जो कि आमतौर पर मुख्यतः हाइड्रोजन गैस के बने बड़े गेंद होते हैं, इनकी ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स हीलियम में फ्यूज हो जाते हैं, जिसे हम देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के रूप में। और इसी फ्यूजन के कारण एनर्जी रिलीज होती है जो कि बाहरी अंतरिक्ष में फैल जाती है। इसके बाद जैसे जैसे सितारा अपनी उम्र में ढलता जाता है, वैसे वैसे इसके अंदर और भी अभिक्रियाएं पूरी होती हैं, जैसे हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, हीलियम कार्बन में, कार्बन नियोन में, नियोन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन सिलिकॉन में और अंत में सिलिकॉन आयरन में बदल जाता है। और यहाँ तक आयरन के बाद इसका फ्यूजन नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इसका तापमान अपनी चरम सीमा पर होता है, जिसे हम कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। और इस तापमान के फलस्वरूप तारे का कोर कोलैप कर जाता है, जिसे हम देखते हैं एक विस्फोट के रूप में, जिसे कहा जाता है सुपरनोवा। और लगभग सभी सितारों के साथ यही प्रक्रिया संपूर्ण होती है। और इस सुपरनोवा के उपरांत हमारे सामने दो कंडीशन आती हैं। पहली, या तो सितारे का कोर सुपरनोवा के बाद एक न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील हो जाता है, दूसरी या फिर सितारे का कोर एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि कोई सितारा बिना किसी सुपरनोवा के चलते, बिना किसी पल्सर या ब्लैक होल में बदले ही एक ही जगह पर गायब हो सकता है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करोगे? वेल, मुझे लगता है कि आप मेरी इस बात पर यकीन नहीं करोगे। और आप मेरी बात पर यकीन करें भी क्यों? क्योंकि यह घटना हमें असंभव सी लगती है। लेकिन यकीन मानिए, एक सितारा बिना किसी सुपरनोवा के एक ही जगह पर गायब हो सकता है, और वो होता है फेल्ड सुपरनोवा के चलते। परंतु ये फेल्ड सुपरनोवाज आखिर होते क्या हैं और ऐसा आखिर किस तारे के साथ हुआ है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइज, मैं हूँ सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। 9 सितंबर साल 1798 इस साल हमारे एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम था विलियम हर्सल, उनके द्वारा खोजी गई एक गैलेक्सी जिसका नाम है NGC 6946, जिसे पटाखे गैलेक्सी या फायर गैलेक्सी के रूप में भी जाना जाता है, जो कि हमारी धरती से तकरीबन 25.2 मिलियन प्रकाश वर्ष या 7.72 मेगा पार्सेक की दूरी पर सीफियस और सिग्नस नक्षत्र के बीच में मौजूद है, जिसका मतलब यह गैलेक्सी NGC 5457 गैलेक्सी के लगभग बराबर दूरी पर है। लेकिन जब इस गैलेक्सी की खोज हुई थी, तब से लेकर आज तक यह गैलेक्सी हमारे शोधकर्ताओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी रही, क्योंकि इस गैलेक्सी को खगोलविदों ने दूसरी आम गैलेक्सी से काफी अलग पाया था, जिसमें उन्होंने पाया कि इस गैलेक्सी के अंदर औसतन से अधिक सुपरनोवा हो रहे थे। और अधिक सुपरनोवा के चलते साल 2005 को खगोलविदों ने इस गैलेक्सी को एक और नाम दिया, और वो था फायरवर्क गैलेक्सी। हमारे शोधकर्ताओं के अनुसार यह गैलेक्सी जो कि 40,000 प्रकाश वर्ष के दायरे में फैली हुई है, उसके अंदर तकरीबन 200 अरब सितारे मौजूद हो सकते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि केवल पिछली सदी में ही गैलेक्सी NGC 6946 के अंदर 10 सुपरनोवा देखे गए थे, जिनके नाम कुछ इस तरह हैं: SN 1917A, SN 1939C, SN 1948B, SN 1968D, SN 1969P, SN 1980K, SN 2002HH, SN 2004ET, SN 2008S, SN 2008S और SN 2017EAW। यहाँ पर शुरुआत में SN का मतलब है सुपरनोवा, बीच में वो साल जिस साल ये सुपरनोवा घटित हुए थे, और अंत में है उनके प्रकार। अब इसके बाद इतने अधिक सुपरनोवाज के चलते यह गैलेक्सी पहली बार ऐसी गैलेक्सी बनी जिसमें इतने अधिक सुपरनोवाज देखे गए थे। इसी प्रकार ऐसी ही आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं हमें और भी इसके अंदर देखने को मिली हैं, जिसमें से एक घटना है साल 2007 से लेकर साल 2009 तक हुई एक हैरतअंगेज घटना, जिसमें एक अच्छा खासा सितारा
अचानक गायब हो गया और वो भी बिना सुपरनोवा के चलते। तो आखिर यह कैसे हुआ? साल 2007 को हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए गैलेक्सी एनजीसी 6946 के अंदर मौजूद एक सितारा जिसका नाम था N6946-BH1 जिसे हमने इस गैलेक्सी के अंदर सही सलामत पाया था। लेकिन लगभग साल 2009 की शुरुआत में हमने इस तारे की ल्यूमिनिसिटी में भारी परिवर्तन पाया जो कि एकदम से बढ़कर हमारे सूरज से भी 10 लाख गुना ज्यादा हो गई थी। अब यहाँ पर आप इस चमक को बेहद ही ज्यादा समझ रहे होंगे, परंतु हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि यह चमक उतनी भी नहीं थी जितना इस आकार का और द्रव्यमान का तारा करता है। और क्या आपको पता है कि यह तारा द्रव्यमान में हमारे सूरज से तकरीबन 25 गुना ज्यादा भारी था। लेकिन फिर साल 2015 को खगोलविदों ने नोटिस किया कि यह तारा अचानक से उसी चमक, फिल्टर और वेवलेंथ के साथ गायब हो गया। यह दृश्य बेहद ही चौंकाने वाला था और साथ साथ में बेहद ही रहस्यमय भी था क्योंकि यह अचानक गायब हो गया था। शुरुआत में हमारे खगोलविदों को लगा कि यह तारा मरकर एक ब्लैक होल में तब्दील हो गया है जिस कारण हम इसे उस जगह पर नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर खगोलविदों को एक और बात अचंभे में डाल रही थी और वो थी कि यह तारा बिना सुपरनोवा के चलते एक ब्लैक होल में कैसे बदल गया, क्योंकि ब्लैक होल के बारे में जितना हम जानते हैं उसकी नज़र से हम देखें तो एक ब्लैक होल तारे के मरने के पश्चात बनता है यानी कि सुपरनोवा के उपरांत। लेकिन खगोलविदों की जो टीम जो कि इस तारे की साउथ ईस्टर्न एरिजोना में मौजूद एक टेलीस्कोप जिसका नाम है लार्ज मोनिकुलर टेलीस्कोप के जरिए इसका अध्ययन कर रही थी, उन्होंने पाया कि साल 2007 से लेकर साल 2009 तक इसकी चमक में बढ़ोतरी ही होती रही, लेकिन उस हद तक नहीं जितना एक सुपरनोवा प्रोड्यूस करता है। और साल 2009 के बाद इस तारे की चमक में लगातार कमी ही देखी गई थी जो कि साल 2015 तक आते आते उसी वेवलेंथ पर यह तारा पूरी तरह से गायब होता चला गया। लेकिन लगभग साल 2009 तक हमने इस तारे को पूरी तरह गायब पाया था जो कि इस तारे की चमक की तीव्रता के कारण उत्पन्न प्रकाशीय परिवर्तन के कारण था। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर यह तारा एक ब्लैक होल में बदल गया है तो यहाँ पर किसी सुपरनोवा को क्यों नहीं देखा गया? तो दोस्त यहाँ पर हमारे सामने एक थ्योरी निकल कर आती है जिसके अनुसार कोई तारा जिसका द्रव्यमान हमारे सूरज से कई लाख गुना अधिक हो वो बिना सुपरनोवा के एक ब्लैक होल में बदल सकता है और इस थ्योरी को खगोलविदों ने नाम दिया फील्ड सुपरनोवा। परंतु ये फील्ड सुपरनोवा आखिर होते क्या हैं? चलिए जानते हैं। फील्ड सुपरनोवाज जो कि टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी में एक खगोलीय घटना है जिसमें एक तारा अपने सुपरनोवा के शुरुआती चरण में अचानक से चमकता है लेकिन फिर सुपरनोवा के बड़े प्रभाव में वृद्धि नहीं होती है और वो धीरे धीरे अपनी ही ग्रेविटी में पूरी तरह से कोलैप कर जाता है और फिर जन्म होता है एक स्टेलर मैस ब्लैक होल का। यदि आप इसे नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार जब एक रेड सुपर जाइंट स्टार जो कि मैस में तकरीबन हमारे सूरज से 17 सोलर मैसेज के ऊपर होता है और अपने आखिरी चरणों में होता है तो किसी कारणवश वो अपनी ही ग्रेविटी में पूरी तरह से संग्रहित हो जाता है। हमारे वैज्ञानिक यह नहीं जानते कि आखिर ऐसा कैसे होता है, इसके बारे में हमारे वैज्ञानिकों की रिसर्च अभी जारी है। लेकिन वे बताते हैं कि असफल सुपरनोवाज या कहें तो फेल्ड सुपरनोवाज जिन्हें अननोवाज के नाम से भी जाना जाता है ये उन घटनाओं में से एक है जो कि सैद्धांतिक रूप से एक अत्यंत विशाल तारे से पैदा हुए ब्लैक होल के आगमन का संकेत देते हैं जिसमें हाइपरनोवा और लंबी अवधि के गामा रे किरण शामिल होती हैं। हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा अभी तक केवल दो ही फील्ड सुपरनोवाज दर्ज किए गए हैं, पहला है एनजीसी 3021 और दूसरा है एनजीसी 6946 जिसके बारे में आप अभी तक जान रहे हो। तो दोस्तों अब तक हमने N6946-BH1 सितारे और फील्ड सुपरनोवाज के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। तो वीडियो के एंड में अब मैं आपको एक बेहद ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ एंड आई एम श्योर ये बात आपको पता नहीं होगी। सुपरनोवा ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक तारे की मृत्यु नजर आती है और ये बात सही भी है, एक सुपरनोवा के चलते तारे की मृत्यु होती है। लेकिन क्या आपको पता है
प्राचीन काल में जब खगोलविदों ने ऐसे विस्फोट या कहें तो सुपरनोवाज देखे तो उन्होंने माना कि ऐसे तारों का जन्म होता है और इसी कारण उन्होंने इस विस्फोटों को नाम दिया सुपरनोवा, जहां नोवा का अर्थ है नया, यानी नए चमकीले तारों का जन्म। परंतु आज हम ये जानते हैं कि ये दरअसल तारे का जन्म नहीं बल्कि उनके अंत की घटना है। यदि ये फैक्ट आपको पता था तो कमेंट में जरूर बताना, और यदि नहीं तो खुश हो जाइए, आज आपने कुछ अलग जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।